गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या गुड इवनिंग ऑल। वही सारी है सभी को, वॉइस क्लियर आ रही है? वही सारी है सभी को। ठीक, देखिए ये एक पेपर शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। यूपीपीएससी का पेपर है, एई का, जो 2013 का पेपर है। ये पेपर ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दिया था, टेलीग्राम पे मिल गया होगा और फेसबुक वगैरह पे भी शेयर कर दिया था हमने। इसमें कुछ क्वेश्चन देखें, जनरल साइंस के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। 9th-10th के जो बेसिक क्वेश्चन है साइंस के, वो भी आ सकते हैं। 9th-10th के साइंस के बेसिक क्वेश्चन, उनके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। बायो तो मैंने करा दिया है आपको, ज़्यादा फिजिक्स वगैरह के भी कुछ जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया, कौन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड प्रोड्यूसेस मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड प्रोड्यूसेस मिल्क। इनमें से कौन सी बर्ड है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है? अब देखिए, इसमें आपको मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था मैमल्स के बारे में, एक कंसेप्ट हमने पढ़ाया था मैमल्स के बारे में। जिन एनिमल में मैमरी ग्लैंड होती है, जिन भी एनिमल में मैमरी ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है। जिन भी एनिमल में मेमरी ग्लैंड होती है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कहा जाता है मैमल। ठीक है, डेफिनेशन तो ये है। तो चाहे ह्यूमन हो चाहे टाइगर हो, तो इन एनिमल में क्या होता है, फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड होती है तो प्रोड्यूस करती है मिल्क। मैमल्स में जो फीमेल एनिमल होता है, या कोई एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे आप टाइगर कहो चाहे एलिफेंट कहो चाहे ह्यूमन कहो, तो मैमल्स वो हैं जिनमें फीमेल जो होगी उसमें मैमरी ग्लैंड होगा और वो प्रोड्यूस करेगी मिल्क। ये अपने बच्चे को मिल्क फीड करते हैं। तो मैंने मैमल और नॉट मैमल में आपको ये बताया था, और भी फीचर होते हैं मैमल्स के मैमरी ग्लैंड होने के अलावा। इनके अंदर 4-चैम्बर्ड हार्ट होता है, लंग्स जो होते हैं डायफ्राम पे रखे होते हैं, बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ये सब इनके फीचर्स हैं। पर बर्ड्स में भी बैट जैसे, मतलब हर एनिमल जो आपको दिखता है मैमल है या नहीं ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, बैट जो है वो मैमल है। जो आपको मछली ऐसे एनिमल दिखते हैं पर वो मछली है नहीं, वेल जैसे है वो मैमल है, डॉल्फिन जो है वो भी मैमल है। तो ये सब मैमल कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन एलिफेंट ये सब आएंगे मैमल कैटेगरी में। नॉट मैमल की अगर हम बात करें, नॉट मैमल की बात करें तो बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स ये सब मैमल नहीं है। ठीक है, क्रोकोडाइल ये सब कोई भी मैमल नहीं है। मैमल जो है वो इधर एनिमल ह्यूमन, ये टाइगर ह्यूमन ये सब, बैट व्हेल डॉल्फिन ये मैमल है और ये मैमल नहीं है। तो बैट को मैंने अलग से यहाँ पर रख दिया, यहाँ मैंने अलग से रख दिया इसको। शैलेश कुमार पूछ रहे हैं आज भी क्लास नहीं होगी, क्लास चल तो रही है। मैं समझ नहीं पाया शैलेश कुमार, क्या प्रॉब्लम है? क्लास तो चल रही है यहाँ, मुझे विजिबल है क्लास, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? शैलेश कुमार क्या प्रॉब्लम है? क्लास तो चल रही है।
सब लोगों को वॉइस आ रही है, देख पा रहे हैं लेक्चर? देखो तो मैमल के डेफिनेशन तो ये है, जिनमें मैमरी ग्लैंड होती है वो मैमल होते हैं, पर कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड नहीं होती मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, पर तो भी उनके अंदर दूसरे बॉडी में, बॉडी के अंदर दूसरे पार्ट है जहां पर मिल्क सिक्रेशन होता है। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं पर उनके अंदर मैमरी ग्लैंड नहीं होती, क्या उनको मैमल कहेंगे? बताइए। कुछ बर्ड ऐसे हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मैमल्स के अंदर तो जो फीमेल होती है उसमें मैमरी ग्लैंड होती है, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है केवल, पर कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड नहीं है पर बॉडी का दूसरा पार्ट मिल्क प्रोड्यूस करता है, मेल फीमेल दोनों, क्या वो मैमल होंगे? एग्जाम्पल के लिए, तीन बर्ड ऐसे हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं पर उनके अंदर मैमरी ग्लैंड नहीं होता, तो मिल्क प्रोड्यूस तो करते हैं पर वो मैमल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए पिजन, फ्लेमिंगो और पेंगुइन, ये तीनों मैमल नहीं है, पर मैमल नहीं है क्योंकि मैमरी ग्लैंड नहीं है, पर मिल्क इनके बॉडी में दूसरे पार्ट से प्रोड्यूस होता है। लॉजिक समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैमल वगैरह आपको समझा रखा है मैंने, मैमल बताया हुआ है, पर कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनमें मिल्क प्रोड्यूस होता है पर मैमरी ग्लैंड से नहीं, तो ये बर्ड हैं मिल्क प्रोड्यूस करते हैं पर मैमरी ग्लैंड इनमें नहीं होती, मैमरी ग्लैंड नहीं होती, तो ये दोनों ही, इसमें मेल फीमेल दोनों ही मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, अपने बच्चों को मिल्क फीड करते हैं, तो पिजन, फ्लेमिंगो और पेंगुइन, और ये जो मिल्क इनके बॉडी से आता है इसे कहा जाता है क्रॉप मिल्क, इस मिल्क को कहते हैं क्रॉप मिल्क। यही लॉजिक था इस क्वेश्चन के पीछे, इस मिल्क को बोलते हैं क्रॉप मिल्क। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग तभी देख पाएंगे जब हम पेपर देखेंगे, क्योंकि पढ़ाते समय अब एक एक स्पीसीज, एक एक पॉइंट नहीं याद रहता, इस तरह के क्वेश्चन तभी हम लोग डिस्कस कर पाते हैं जब पेपर हम लगाते हैं। तो यहां से हमें पता लग गया कि भाई पेपर में क्वेश्चन आया था, तो पूरा लॉजिक हमने हाथ के हाथ आपको समझा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा पिजन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्ट्राइक भी नहीं करेंगे, अब इतनी सारी स्पीसीज में इतने सारे फीचर होते हैं, ऐसे याद भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लीस्ट डिस्टेंस। अब देखो बेसिक साइंस का क्वेश्चन है 9th-10th की बुक का, अब इस तरह के क्वेश्चन क्लास में कवर नहीं हो पाते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है 9th-10th का, चाहे कितना भी टीचर बेसिक में जाके पढ़ाए, इस तरह के पॉइंट रह जाते हैं कहीं कहीं। सबसे कम दूरी पर आप कितनी दूरी पर कुछ देख सकते हैं बताइए, सबसे कम दूरी में कितनी दूरी पर आप कुछ देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्लियर विजन, उससे नजदीक में आपको धुंधला दिखेगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब टेक्निकल वाले जो है आपको चेक करना पड़ेगा क्या इंपैक्ट आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या इंपैक्ट होगा? भाई मैंने ये बताया हुआ है कि हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, लो टेम्परेचर पे एज इंसुलेटर बिहेव करता है, इस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और ये मैंने आपको सोलर सेल में बताया था कि सोलर सेल जो बनी होती हैं हीटअप होने के बाद एनर्जी जनरेट करेगा, फोटोवोल्टेक सेल या पीवी सेल, पीएन जंक्शन डायोड भी होता है, ये सोलर सेल या फोटोवोल्टेक सेल ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है। उस हिसाब से आप बताइए सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो क्या इंपैक्ट आ जाएगा रेजिस्टेंस के ऊपर? एक क्वेश्चन देखो ये है, मेलानिन ये हमारी बॉडी में है, इसका बॉडी में क्या काम है? मेलानिन स्किन के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है, मेलानिन स्किन के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट है। चिन्मय पूछ रहे हैं कौन सा पेपर है, यूपीपीएससी एई का पेपर है 2013 का, यूपीपीएससी एई 2013 का पेपर है। तो मेलानिन स्किन में पिगमेंट है, जितना ज्यादा मेलानिन होगा
जितना ज्यादा मेलानिन होगा स्किन का कलर उतना डार्क होता है, जितना कम मेलानिन होगा स्किन उतनी फेयर होगी। और मेलानिन नेचुरली हमारी स्किन में है, ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस से हमको बचाने का काम करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको प्रोटेक्शन देता है मेलानिन। भाई स्किन में तो यूवी ही पढ़ा रखा है हमने, कुछ और तो बात नहीं की है। स्किन में तो हमने यूवी ही पढ़ा रखा है कि यूवी अगर ज्यादा है तो स्किन को नुकसान पहुंचाने लगेगा, तो मेलानिन नेचुरली स्किन में है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन सी बर्ड है जो फ्लाई नहीं रन करता है 40 माइल पर आवर? कुछ मैंने आपको फ्लाइटलेस बर्ड के नाम बताए थे और उनमें बताया था सबसे तेज भागता है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी बर्ड है जो फ्लाई नहीं रन करती है 40 माइल पर आवर की स्पीड से, मतलब फ्लाइटलेस है और सबसे तेज भागने वाली बर्ड। बाकी सब तो उड़ने वाले हैं ना, भागने वाला सबसे तेज भाई पिकॉक है, वो भी बहुत तेज नहीं भागेगा। क्रेन, कीवी, इसमें है ऑस्ट्रिच। ओवरऑल फ्लाइटलेस या फ्लाइंग बर्ड मिला दिया जाए, सबसे बड़ी बर्ड है ऑस्ट्रिच। फ्लाइंग, फ्लाइटलेस दोनों को मिला दिया जाए, सबसे बड़ी बर्ड है ऑस्ट्रिच जो पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और दौड़ता भी सबसे तेज है, दौड़ने वाली बर्ड में सबसे तेज है। फ्लाई करने वाले में सबसे तेज उड़ने वाला अल्बाट्रोस। फ्लाई करने वाले बर्ड में कहोगे तो सबसे तेज उड़ने वाली बर्ड वेंड्रिंग अल्बाट्रोस, अल्बाट्रोस ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। वेंड्रिंग अल्बाट्रोस उड़ने वाले में सबसे तेज, भागने वाले में ऑस्ट्रिच। द ऑथर ऑफ द बुक टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96, द ऑथर ऑफ द बुक टर्बुलेंट ईयर्स। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ये 13 का पेपर है ना, क्वेश्चन पुराना हो गया, प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी। टर्बुलेंट ईयर्स प्रणब मुखर्जी की लिखी किताब है, उस समय का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बताइए पढ़ाया है कि नहीं, स्टैचूटरी बॉडीज क्या होते हैं उनमें ये पढ़ाया है नहीं, आप लोग पहले आंसर बताइए। शैलेश कुमार तो पूछ रहे थे आज क्लास होगी कि नहीं, और आंसर तो कर रहे हो ए। कल क्लास नहीं थी, केवल कल ऑफ हुआ है, बाकी आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। बताओ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना किस साल में हुई है, बताओ जल्दी से। और स्टैचुटरी बॉडी भी है ये, स्टैचुटरी बॉडी क्या होती है जो एक्ट के तहत बनी होती है। नहीं आंसर बता रहे हो उसका मतलब कॉपी पलट के देखे नहीं हो। चले आंसर, इसका आंसर तो बताओ, अब तो दिख रहा है क्वेश्चन, अब तो मुझे भी स्क्रीन पे दिख रहा है, यूट्यूब अलग अलग थोड़ी चलेगा यार, मुझे भी दिख रहा है क्वेश्चन। ज्यादातर बच्चों ने बताया आंसर बी, क्योंकि एक ने बी बोल दिया था, किसी एक के बोलने की देर है, उसी की पूंछ पकड़ के सब लोग बी बताए चले जा रहे हैं। 93 सही है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यही तो था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये होगा सी आंसर, पढ़ाया वो क्वेश्चन है ये तो। राजगीर एक रिलीजियस प्लेस है, सिचुएटेड इन, कहाँ स्थित है? राजगीर एक रिलीजियस प्लेस है, कहाँ स्थित है, बताओ आंसर। अरे राजगीर नहीं पता है, बिहार, इसमें क्या दिमाग लगाना है, मगध एम्पायर, एम्पायर सब पढ़े हुए हो। ओनली फिल्म डायरेक्टेड बाई पहलाज निहलानी प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड, पुराना क्वेश्चन है ये, देखो 13 में एई का पेपर हुआ था ना, उसी के आसपास कोई मूवी थी, उसको डायरेक्ट किया था पहलाज निहलानी ने, ये मूवी थी अवतार मूवी, ये मूवी थी अवतार, पहलाज निहलानी ने डायरेक्ट की थी। अब ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, जरूरत नहीं, ये भी देखो करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो ये क्वेश्चन अब मतलब का नहीं है, ये क्वेश्चन अब नहीं मतलब का है। ये बताइए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो
इन पॉन्ड इज डन बाई यूजिंग, पढ़ाया हुआ है कि नहीं? मॉस्किटो कंट्रोल बताओ। शैलेश कुमार एक मिनट रुको बेटा, एक पॉइंट आप करेक्ट कर लो, आप लोग जरा एक पॉइंट करेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे स्पीड में बता दिया है मैंने आपको, अल्बाट्रॉस फ्लाइंग सबसे बड़ी बर्ड, ये एक्चुअल में पॉइंट मुझे ये बताना था। अब ठीक कह रहे हैं शैलेश, एक्चुअल में पॉइंट मुझे कुछ और डिस्कस करना था, यहाँ पर लिख दिया मैंने कुछ और। देखो ये क्वेश्चन था ना, फ्लाइंग और फ्लाइटलेस सारी बर्ड मिला दी जाए तब आंसर होगा ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी बर्ड है, रन करने में भी सबसे तेज है ऑस्ट्रिच। ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए? एक बार ध्यान दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है यार। फ्लाइंग और फ्लाइटलेस सारे कंपेयर कर लें, सबसे तेज दौड़ने वाली बर्ड है ऑस्ट्रिच, और फ्लाइटलेस और फ्लाइंग सारे कंपेयर कर, सॉरी, फ्लाइंग और फ्लाइटलेस सारे बर्ड कंपेयर कर लें, सबसे बड़ी बर्ड है ऑस्ट्रिच और ये फ्लाई नहीं करता, ये केवल रन करता है 40 माइल पर आवर, भागने में भी सबसे तेज बर्ड है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन है, वांडरिंग अल्बाट्रॉस जितने फ्लाइंग बर्ड होते हैं उनमें सबसे बड़ी बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ी बर्ड है अल्बाट्रॉस, ये मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर। मैं एक्चुअल में स्पीड बोल गया आपसे, ये गलत है, स्पीड नहीं, ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, उड़ने में सबसे बड़ी बर्ड है, ये मुझे बताना था यहाँ। लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है अल्बाट्रॉस, और जो स्पीड के मामले में अभी शैलेश ने लिखा है फाल्कन, फाल्कन जो लिखा है स्पीड के मामले में वो उड़ने में सबसे तेज है, बिल्कुल सही आंसर है। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में यहाँ बता गया पॉइंट आपको, ऑस्ट्रिच फ्लाइंग और फ्लाइटलेस दोनों बर्ड कंपेयर कर लें, सबसे बड़ी बर्ड है ऑस्ट्रिच और ये रन करता है 40 माइल पर आवर के हिसाब से। अब फ्लाइंग बर्ड जितनी है, उड़ने वाली जितनी बर्ड है उनमें सबसे बड़ी बर्ड है अल्बाट्रॉस, फ्लाइंग में सबसे बड़ी बर्ड है अल्बाट्रॉस, पर अगर आप कहेंगे स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है, अल्बाट्रॉस की या फाल्कन की, फाल्कन की स्पीड सबसे ज्यादा है। फाल्कन में भी जो इन्होंने ये नाम लिखा हुआ है परगेरियन करके लिखा हुआ है, परग्राइन फाल्कन होता है ये, वो सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया है। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था मुझे उस पॉइंट में, बताना दूसरा पॉइंट था। फ्लाइंग फ्लाइटलेस में दोनों में मिला के सबसे बड़ी बर्ड ऑस्ट्रिच, फ्लाइटलेस वाले में भागने में सबसे तेज ऑस्ट्रिच, उड़ने वाले में सबसे बड़ी बर्ड अल्बाट्रॉस, स्पीड के मामले में फाल्कन, इतने क्वेश्चन है इसमें। अगले क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन बताइए, किस विटामिन की कमी से क्या डिजीज है, ये तो पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, बताइए। हाँ ये अच्छी बात है, थोड़े थोड़े टाइम पे टीचर को भी कभी कंफ्यूजन होना चाहिए, नहीं तो बच्चों को डाउट होने लगेगा कि ऐसा नहीं सब कहीं गूगल से कॉपी कर दिया सर ने पूरा, कभी कभी फील होना चाहिए टीचर को भी कि ह्यूमन बींग की तरह ही है भाई, गलती हो सकती है। आप कितने साल से पढ़ा रहे हो, चाहे ये क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट, ये बताओ, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो इन पॉन्ड, बताओ जल्दी से आंसर, लिखे तो हो ऊपर यार। गंबूशिया मछली, गंबूशिया जो मछली है क्या करता है, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको खा जाती है, लार्वा जो होता है मॉस्किटो का उसको खा जाती है, तो गंबूशिया मछली मॉस्किटो फिश बोलते हैं उसको। ये आंख बंद करके पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर अभी कुछ लोग बोलेंगे सर आपके नोट्स यूपीपीएससी में काम आ जाएंगे कि नहीं, सामने क्वेश्चन चल रहा है, पेपर मैंने अभी देखा है, तो जो पढ़े हो उससे देख लो बन रहा है नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन बता दो। बताओ कौन से विटामिन की कमी से क्या होगा इसमें से,
इसमें अगर गलत किया तो छत से फेंकना पड़ेगा तुमको नीचे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ इसमें चाह के भी तुम गलती नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए लगाओ, स्कर्वी विटामिन सी, इतने से देख लो बन जाएगा, बेरी बेरी विटामिन B1, ब्लड से रिलेटेड मुद्दा हिमोरेज विटामिन के, ये पहले देख लो, ए का 4 है, ए का 4, सी का 1, डी का 2, सी का 1, डी का 2, सी का 1, डी का 2, डी आंसर तो वैसे ही हो गया, ये जिसका जिसने पेपर दिया उसने भी गलत कर रखा है, ये पढ़ के नहीं गया होगा ना, क्लास किया नहीं होगा ठीक से, मैच हो गया ठीक, देख लो एक बार और, सी का 1 है और डी का 2 है, सी का 1, डी का 2, ठीक है एक ही ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज का होता तो घुमा देता ऑप्शन, दो जगह मैच कर रहा होता यही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये बताओ जरा, अब ये मत कहना सर पेपर देख के तब थ्योरी लिखाए हैं, नहीं तो कहोगे सर ने पेपर देख के तब थ्योरी में लिखवाया होगा, पेपर तो मैंने अभी 2 दिन 3 दिन पहले डाउनलोड किया है, थ्योरी तुम पढ़ चुके हो 2 3 महीने पहले। बताओ इसका आंसर, कौन सा विटामिन है मोस्ट लाइकली टू बी डिस्ट्रॉय व्हेन फूड मटेरियल आर रोस्टेड बॉइल्ड और फ्राइड, बताओ जल्दी से। यार ये बिल्कुल सीधी तुम्हारी कॉपी की लाइन है लाइफ साइंस में, इसमें गलती मत करो, विटामिन का पूरा टॉपिक बता रखा है तुम्हें, कौन सा विटामिन है सबसे जल्दी खराब हो जाता है, जो सबसे जल्दी खराब होने वाला विटामिन सी, सबसे जल्दी खराब होने वाला विटामिन है विटामिन सी, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में जब आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते थे तब का क्वेश्चन है ये, इसको पहली क्लास का क्वेश्चन कहना भी गलत है, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस जब करते हैं उनमें इसमें से क्या यूज करते हैं, बताओ जल्दी से। अब ये मत कहना ये पढ़ा नहीं कभी जिंदगी में, मैंने भले ना पढ़ाया हो पर ये बचपन से सुन रहे हो, गैल्वनाइजेशन है, कुछ याद? बिल्कुल सही, सभी का जवाब सही है, जिंक। इसका मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीएस में काफी कवरेज है, यहाँ पर देखो जितना पढ़े हो जीएस में उससे कोई काम चल रहा है, क्वेश्चन बन रहा है सब, और कहीं और मेहनत से पढ़ भी लोगे तो भी कवरेज इससे ज्यादा नहीं होगा। प्लेलिस्ट मैंने जो बनाई है उसमें 1 2 3 4 करके 3 4 बार क्वेश्चन पढ़े हैं, जो यूपीपीएससी की प्लेलिस्ट मैंने डाली है यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट में, उसमें देखना क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 2 3 4 कई बार आएगा, तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मार्च में किया, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मई में किया, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जून में आया, तो 1 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कई बार लिखे हुए हैं, पर वो अलग अलग पेपर हैं, प्लेलिस्ट देखेंगे तो यूपीपीएससी क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे मान लो एक मंथ में कराया तो इकट्ठे मैंने प्लान कर दिया 1 2 3 4, पिछले मंथ में भी उसी नंबर से 1 2 3 4 चल रहे थे पर वो अलग अलग लेक्चर है, टोटल मिला के देखोगे 15 20 लेक्चर से ऊपर होंगे, मतलब 1000 से ऊपर क्वेश्चन तो जीएस के तुम लोग अभी लगा लगा चुके होगे जब से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। भाई 1000 मैं लगवा रहा हूं, 1000 क्वेश्चन तुम लगा लोगे, हो तो गया इतना सारा, कौन सी कोचिंग में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मुझे बताओ, थ्योरी कंप्लीट हो जाए भाई बहुत है। ऑफलाइन में टाइम उतना नहीं मिल पाता है, और ऑनलाइन में कम से कम क्वेश्चन हाथ के हाथ देख सकते हो क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, ऑफलाइन में टीचर की गलती नहीं, टाइम उतना नहीं मिल पाता है, ऑनलाइन में तो घर पे बैठे रहो क्वेश्चन करते रहो। ये बताओ जरा,
वॉट डज NAQI स्टैंड फॉर? NAQI क्या होता है? पढ़े हैं पॉल्यूशन में, बताइए। ये तो एक्चुअल पेपर का ही क्वेश्चन है यार, पेपर ही है ये। जूम करें थोड़ा, रुको उसको। बताओ। अमित अंशु, UPPSC की प्लेलिस्ट मेरे YouTube चैनल पे पड़ी है। सौरभ पांडे, GS फॉर ऑल जो YouTube चैनल है, उसके UPPSC सेक्शन में जाओ, क्वेश्चन पड़े हुए हैं, पर 1, 2, 3, 4 करके कई बार रिपीट होगा। वो अलग अलग पेपर है सब। टाइटल अब मैं बार बार क्या चेक करूंगा यार, वही टाइटल डाल देता हूँ मैं। जिस मंथ में करा रहा होता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, दोबारा नंबरिंग 1, 2, 3, 4 से कर देता हूँ मैं। डेट वाइज देखते जाओगे सब मिल जाएगा। लाइफ साइंस के 2 लेक्चर कल मैं चेक कर रहा था, लास्ट के 2 लेक्चर, जैसे बच्चे कह रहे थे सर हार्ड वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, तो एनवायरनमेंट ये यूट्यूब पे जहां मैंने लाइफ साइंस कंप्लीट किया था, नर्वस सिस्टम अगर कोई टॉपिक था, लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करके पढ़ा हुआ, दोनों में लाइफ साइंस पढ़ाया था मैंने, क्योंकि टॉपिक की हेडिंग पहले पढ़ गई थी और थ्योरी के 2 टॉपिक रह गए थे। जब प्लेलिस्ट देखोगे UPPSC वाली, तो 2 टॉपिक में UPPSC क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करके लिखा हुआ है, और उसके अंदर मैंने थ्योरी लाइफ साइंस की पढ़ा रखी है, इसीलिए बच्चों को हार्ट वाला टॉपिक नहीं मिल पा रहा था। 2 टॉपिक लाइफ साइंस के उन वीडियो में पड़े हुए हैं, पर हेडिंग उसकी UPPSC क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के नाम से पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था डेट वाइज देखते जाओ। आप प्लेलिस्ट भी देखोगे, डेट वाइज देखते जाओगे, तो मैंने सिक्वेंस में पढ़ा रखा है पूरा। ऊपर टाइटल कुछ भी पढ़ाओ, अंदर डेट वाइज चेक करते जाओगे सारा मिल जाएगा। क्योंकि हेडिंग कई बार क्या होता है कि टाइटल पहले से लिख के भेजना पड़ता है, उस समय थ्योरी चल रही है, मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया, ठीक है? तो आप डेट वाइज देखते जाएंगे, सब कुछ सिक्वेंस में मिल जाएगा। जो भी क्लासेस हैं सारी की सारी उसमें पढ़ी है प्लेलिस्ट में, आप डेट वाइज चेक करते जाइए, आपको ढूंढ कुछ नहीं परेशानी होगी ढूंढने में, और सारी चीजें मिल जाएंगी लाइन से। ललित सिंह, एग्जाम टाइम पर होने के क्या चांस है? UPPSC AEN अक्टूबर डेट है। देखो, अगर ट्रेनें सब नॉर्मली चलने लग गई तब तो हो जाएगा, नॉर्मली अगर ट्रेनें सब चलने लग जाएंगी तब हो जाएगा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स SSC JEE वाले GS में भी काम आ जाएगा सब। कंट्री की पहली एंटी डायबिटिक ड्रग, कंट्री की पहली एंटी डायबिटिक ड्रग जो CSIR ने बनाई। मेरा क्वेश्चन है CSIR की फुल फॉर्म बताओ और चेयरमैन कौन होता है इसका, बताओ जल्दी से। CSIR की फुल फॉर्म और चेयरमैन, दर्श पटेल। BGR 37 नहीं है बेटा, BGR 34 आती है दवा। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर 34, ये है दवा शुगर की, BGR 34। ये क्वेश्चन 3-4 बार आया है और हर बार स्टेट एग्जाम में आया है। 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार स्टेट एग्जाम में आया। बनाने वाले को डायबिटीज रहा होगा, इमोशनल हो गया होगा दवा का नाम देख के। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और अवार्ड कौन सा देता है CSIR? CSIR अवार्ड देता है साइंस के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर, जो इनके पहले डायरेक्टर थे। शांति स्वरूप भटनागर जो इनके पहले डायरेक्टर भी थे, वो ये अवार्ड यही देता है CSIR। ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। किस चार्टर के आधार पे वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है? ये सब बनना उनना नहीं है। पूछने में क्या लगता है, पेन चलाया खट से पूछ दिया जो मर्जी। वर्ल्ड कैंसर डे लोगों को याद रह जाए भाई, बहुत लिखवा रखा है कॉपी में। अब कैंसर डे नहीं पूछ रहा है, किस चार्टर के हिसाब से तय किया गया है, ये बनना बनना नहीं है।
इस तरह के क्वेश्चन में फैंटम बनने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आया है। अटेम्प्ट करोगे गलत करोगे, और तुमको नहीं मुझको भी नहीं पता है। तुम अन्य कई लोग बाबा लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि जीएस ज्यादा आ गया है। ये क्वेश्चन तुम नहीं, मैं दे रहा होता मैं भी छोड़ के आता। ये करना नहीं, छोड़ने वाला क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है, ऐसे क्वेश्चनों में नहीं उलझना। हर कोई सब कुछ नहीं जान सकता है, पूछने में क्या लग रहा है, जो मर्जी पूछ रहे उल्टा पुल्टा। जीका वायरस बता रखा है कि नहीं बताओ जल्दी। अब ये बनने वाला क्वेश्चन है, ये बनने वाला क्वेश्चन है, बताओ जल्दी आंसर। अरे यार नहीं आता, सीधे क्यों नहीं आता, इसमें कौन सा दिमाग। अगर आदमी लाइफ में ऑनेस्ट हो जाए, वो इतना ही कबूल ले कि ये चीज मेरी रेंज के बाहर है, या मुझे ये नहीं आता, या नो कहना सीख ले, इतना भी कोई लाइफ में कर ले ना, लाइफ बड़ी स्मूथली चलने लगे। पर हम लोग अपने आप से ऑनेस्ट होते नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डोमेन से बाहर है, हमें नहीं करना चाहिए, तो भी हम अटेम्प्ट करते हैं उन चीजों को। केवल एग्जाम नहीं, कोई भी चीज जो आपकी रेंज में हो उनको करिए, रेंज से बाहर उनको नहीं करना चाहिए। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, नहीं आता नहीं आता, उसके अलावा बहुत कुछ है जो आता है। कुछ चीजों में तुम्हारा एक्सपर्टाइज मेरे से भी ज्यादा है। देखो, विच डिजीज कॉज्ड बाई जीका वायरस, माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली, हाँ माइक्रोसिफेली, एबनॉर्मली स्मॉल हेड हो जाता है बच्चे का। वेद कुमार कह रहे हैं डेली क्लास आपकी नहीं होती है, सही कह रहे हो वेद कुमार, तुम रेगुलर नहीं आते हो, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम रेगुलर नहीं आते, तुम्हारी गलती नहीं है, केवल कल ऑफ था और मेरी क्लास नहीं होती है। 4 तारीख से लगातार क्लास चल रही है, एक आध दिन बीच में छोड़ के, और डेली 5 बजे क्लास हो रही है, कल केवल क्लास नहीं थी, और कह रहे हो डेली क्लास नहीं होती है, मतलब टीचर को कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती है, टीचर को कोई काम नहीं हो सकता है। मूर्ख बालक, जरा इस वाले YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखना, डेली क्लास हुई है कि नहीं हुई है, इस वाले YouTube चैनल पे टाइप करो, साथ साथ इस चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ यूपीपीएससी में, और कितनी क्लासेस मंथ में ढूंढ के बताओ मुझे, काउंट करके जरा, तुम्हारा होमवर्क है आज ये, कह तो दिए आज तुम्हारा होमवर्क है। इस चैनल पे जाओ, यूपीपीएससी प्लेलिस्ट में जाओ, इस मंथ के लेक्चर काउंट करके बताओगे मुझे कल, ठीक है? आज होमवर्क है, कल तुमसे पूछा जाएगा, और रोज क्लास में पूछूंगा वेद कुमार क्लास में है कि नहीं है। फर्जी कमेंट का यही इलाज है। माइक्रोसेफेली क्या होता है? जीका वायरस में मदर से बच्चे को ये वायरस ट्रांसफर कर जाता है, और बच्चा जब जन्म लेगा उसका पूरा बॉडी नॉर्मल है, केवल उसका स्कल, हेड, स्कल जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। जब वो जन्म लिया है तब उसको दिक्कत नहीं है, पर आगे जाकर जब उसका बॉडी ग्रो करेगा तो ब्रेन भी ग्रो करेगा, ब्रेन को थोड़ा स्पेस चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो स्कल का साइज छोटा है, हेड का साइज छोटा है, तो ब्रेन एक्सपेंड नहीं कर पाता, ब्रेन ग्रो नहीं कर पाता, ये दिक्कत हो जाती है, तो आगे जाके ब्रेन डैमेज होने का खतरा हो जाता है। इसे कहते हैं माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली। देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, एक चीज क्लियर रखो दिमाग में, अभी कुछ एग्जाम आने वाले हैं ना, जहां पर जीएस टॉपिक है, कुछ एग्जाम अभी आने वाले हैं, आने वाले 2-4 महीने 6 महीने में जो भी एग्जाम कुछ होंगे, उनमें जीएस सिलेबस का पार्ट है। अब यहां तुम लोग इतना सारा जीएस पढ़ चुके हो, कुछ एक्टिविटी आने वाले दिनों में ऐसी होंगी जो फेक आईडी बना बना के बातें करेंगे। अभी देखना, ये बहुत तेज बढ़ेगा कुछ दिन में, कुछ दिन में फेक आईडी वाले ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि दिक्कत क्या है, अब और जगह भी लोग कंपटीशन में जो है नए नए बैच चालू कर रहे हैं, और यहां तुम्हारा काम ऐसे ही चल रहा है, तो समझ तो रहे ही हो, समझदार आदमी हो तुम। अरे आदमी नहीं, लड़के हो यार, कुछ तो हो, पर अभी ये ट्रेंड देखना पड़ेगा, कुछ अगले 1 हफ्ते में ये चीज और बढ़ेगी। कई लोग दुखी है कि सौरभ पांडे जीएस छोड़ता क्यों नहीं है, इतने साल से पढ़ा रहा, रिटायर क्यों नहीं हो जाता है, ये भीड़ जुटाए हुए, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें परेशानी हो रही है, तो खुल के लोग बोल नहीं पा रहे हैं इस बात को। देखो
बताओ जल्दी से, द नेम ऑफ द मंगलयान, मोम, इसरो का मार्स मिशन क्या नाम था? सनी सिंह, ये कौन सी स्पेलिंग लिखा है? इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, समझदारों भी नहीं लिख पा रहा है। समग फसरो पता नहीं क्या लिखा है। सही स्पेलिंग करके लिखो यार, क्या लिखे उल्टा पुल्टा। अरे सौरभ राय, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सभी इंस्टीट्यूट कई सारी चीजें लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे इंडिया लेवल के हों, सभी लोग लॉन्च कर रहे हैं, मैं किसी एक की बात थोड़ी कर रहा हूं। बताओ जल्दी। और फीस वीस के तुम्हारे जो पैसे बचे हैं, बढ़िया शर्ट पैंट खरीद लो अपने लिए, मेरी तरफ से दिवाली गिफ्ट। जितना पैसा फीस का बचा है वो जीएस का, एक बढ़िया पैंट शर्ट खरीद लो, दिवाली गिफ्ट हो जाएगा। मिठाई खरीद लेना एक डब्बा। अरे हमें नहीं खाना है, खुद ही खा लेना। बताओ जल्दी से, मार्स ऑर्बिटर, ऑर्बिटर मिशन। अरे ये सब कोई क्वेश्चन है यार, फर्जी क्वेश्चन है। सिविल्स वाले जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा बढ़िया लगता है क्वेश्चन करने में। ये टीचर की तोहीन है कि टीचर ये क्वेश्चन करा रहा है क्लास में। ये देखो मैंने पैर से टिक किया है, हाथ से टिक नहीं किया है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये पैर से टिक हो गया। देखो ये रहा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। अरे बेटा हर किसी का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, पर जीएस के लिए तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है, हर कोई अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं होती। पर कभी कभी जब मौसम बढ़िया हो बच्चों को फ्री भी पढ़ा देना चाहिए, मेरा केवल इतना कहना है। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, मौसम बढ़िया हो कभी कभी फ्री पढ़ा देना चाहिए। अब आज देखो बारिश वारिश का मौसम, बादल बढ़िया घेरा है, दो चार चैप्टर करा देने चाहिए थे कि नहीं? और तुम इतने सीधे बच्चे हो, कहते भी नहीं हो। बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट अरे बेटा आप किसी इंस्टीट्यूट की बात मत करो, ये जनरल बात मैंने बोली है। ललित सिंह कह रहे हैं मिलने की बहुत इच्छा है मेरी। मैं नहीं मिलूंगा यार, मिठाई विठाई खिलाओगे नहीं, बस मिलोगे खाली, क्या फायदा? मिठाई विठाई खिलाओ तो मुलाकात हो। काजू कतली, ये क्या है यार? सौरभ राय, सौरभ राय जिस टीचर का आपने नाम लिया है वो मेरे गुरु हैं, जिस टीचर का आपने नाम लिया है मेरे गुरु हैं, और मतलब कमेंडेबल पर्सनैलिटी, नॉलेज के मामले में बहुत जबरदस्त, जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जो बेहतर है वो बेहतर है, बेस्ट बेस्ट ही होता है, मेरा मानना ये है। तो जिस टीचर का आपने नाम लिया मेरे भी गुरु हैं, और नॉलेज में कोई मैच नहीं है। अगर मैं मेरे गुरु का सम्मान नहीं कर सकता तो मेरा स्टूडेंट मेरा सम्मान कभी नहीं कर पाएगा। और उनके नाम के आगे सर लगाइए आप, सौरभ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वेद कुमार, तुम पेपर निपटने का वेट कर लो पहले, पेपर जब खत्म हो जाए तब तुम ढूंढना लेक्चर। रोज तुम दो दो क्लास, तीन तीन क्लास के बाद आते हो, फिर परेशान रहते हो। एक जो प्लेलिस्ट बताया हूं पहले वो देखे, वो देखो। उसके अलावा अनअकैडमी स्पेशल, वो जो लर्नर ऐप है उसमें स्पेशल क्लास देखो, दो जगह लेक्चर तुमको मिल जाएंगे। अनअकैडमी स्पेशल क्लास और यूट्यूब दोनों मिला के देखो, बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और दोनों एक नहीं, अलग अलग है। यूट्यूब का प्लेलिस्ट अलग है, अनअकैडमी का जो लर्नर क्लास है, वो लर्नर ऐप है वो अलग है, उसमें स्पेशल क्लास पड़ा हुआ है, स्पेशल क्लास भी फ्री होता है। अमन विशेष, ऐसा तुमने विशेष क्या किया है कि तुम्हारा नाम में विशेष लिखा है, पहले ये बताओ। कह रहा है कि सर आपका मूड साइन कर्व है क्या? सही कह रहा है। बताओ जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, पढ़ाया हुआ है।
ललित पे भरोसा नहीं है मुझे, दुकान पे ले जाएगा, बिल भरने की बारी में भाग जाएगा। सजल पाल एक आर्मी वाला भी था, वो अलग है बेटा, दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग है। यहाँ पे एचआईवी एड्स की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट सनराइज, प्रोजेक्ट सनराइज सेवन सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम, 8 राज्यों में चलाया गया। एड्स वगैरह के जो इश्यू है उनको कंट्रोल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट था, और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को उसमें कवर किया गया था। पढ़ा रखा है कॉपी में, इंद्रधनुष प्रोग्राम जहां लिखाया था वहीं पढ़ाया था ये, जहां इंद्रधनुष प्रोग्राम लिखाया था वहीं पढ़ाया था। सौरभ कह रहे हैं कि मैं सर का नाम नहीं लेता हूँ, जब भी ये बात आई है मैंने हमेशा बात उठाई, मैंने हमेशा यही जवाब दिया जो मैंने अभी दिया तुमको। अब तुमने वो लेक्चर नहीं देखे जो मेरी गलती नहीं है, उनको लेकर मैंने हर बार यही स्टेटमेंट दिया है जो मैंने आज दिया है। आप लोग खुद ही इंटरप्रेट कर लेते हो पता नहीं क्या। पुराने वीडियो जो एक बच्चे ने ये क्वेश्चन एड्रेस किया था, मैंने तब भी यही सेम स्टेटमेंट बोला था। और अमन विशेष, आपने जो बात लिखी है उसके बारे में मैंने यही स्टेटमेंट दिया था जो आप बोल रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं या मैं किसी के बारे में गलत बोलूंगा। जो बात आप कह रहे हैं मैंने खुद बोला ही है कि टेक्निकल में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने का काम किया गया, इंजीनियरिंग 4 साल में कुछ तैयारी होती नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि टेक्निकल में जो कंट्रीब्यूशन है, जो इंस्टीट्यूट आप बोल रहे हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। किसी के भी काम को देखो, आप अपने काम की रिस्पेक्ट तब तक नहीं पा सकते जब तक आप दूसरे के कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट ना करें। ऐसा नहीं है कि आपसे पहले कुछ होता नहीं था या आपसे पहले लोग पढ़ते नहीं थे, तो जिसका हर किसी का अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन है। मैं किसी के कंट्रीब्यूशन को कम नहीं करता कभी। अमन विशेष की बात का जवाब दिया मैंने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बताओ जल्दी अगला क्वेश्चन अमन विशेष, अब इसका जवाब अगर तुम नहीं दिए तब तुमको बताया जाएगा। बताओ जल्दी आंसर, साइन कर्व में अब ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, बताओ जल्दी आंसर इसका। खाली इसका बातों में मन लगता है, आंसर बताओ जल्दी से। किसने कहा था तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तिलक चले गए थे मुकदमा लड़ने, कुछ बताया था वी से, नाम बताया था वी से। अब भी नहीं आंसर कर पाओगे तो क्या इलाज है फिर तुम्हारा, बताओ जल्दी। वेलेंटिनो शिरोल, इसी ने तो कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटिनो शिरोल। और तिलक की गलतियों में देखा जाता है कि तिलक अगर इनके खिलाफ मुकदमा लड़ने ना चले गए होते विदेश, अपने फ्रीडम स्ट्रगल पे ही ध्यान दिए होते, तो शायद आजादी पहले मिल सकती थी। तो वैलेंटिनो शिरोल के खिलाफ वो मुकदमा कदमा लड़ना, ये भी एक गलती थी तिलक की, वैलेंटिनो शिरोल। किसने लिखी थी इंडिया डिवाइडेड किताब? इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी बताओ? अमन कह रहा है मेरी फोटो आ रही है क्वेश्चन पे। चलो तुम ये बता दो, अब तो नहीं आ रही है, ये बताओ तुम अगला क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड, अमन विशेष बताइए आंसर। अब नहीं आ रही फोटो, झूठ मत बोलना। ये लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस बच्चे ने ठीक किया आंसर ये।
दीपावली डिक्लेरेशन कौन था उस समय? दीपावली डिक्लेरेशन के टाइम पे कौन था? और ईयर के साथ आंसर बताइए, ईयर के साथ बताइए। पढ़े हुए क्वेश्चन ये भी। किसका ऑफर था? हु मेड दीपावली डिक्लेरेशन इंडिया? किसके समय में है, ईयर क्या था, दोनों बताइए। इरविन था, इरविन था। ईयर था इसका 1929, इरविन था, ईयर था 1929। क्वेश्चन आया अबाउट द इवेंट ऑफ 1857, हु सेड इट वॉज फार मोर देन अ म्यूटिनी येट मच लेस देन ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? इट वॉज फार मोर देन अ म्यूटिनी बट लेस देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चेक करना पड़ेगा, स्टेटमेंट मुझे भी याद नहीं है, ये वाला ही चेक करना पड़ेगा। अभी मुझे भी ध्यान नहीं किसने कहा था, एक बार चेक कर लो। कैनिंग इस बच्चे ने टिक तो किया है, पर आप चेक कर लीजिए, मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं है। ये स्टेटमेंट मैंने कॉपी में लिखाया नहीं है। कितने क्वेश्चन पहले ज्यादा आते थे इसमें, इसका मतलब क्वेश्चन पहले ज्यादा आते थे इसमें। हम लोग 50 के ऊपर है क्या, 100, 100 के आसपास है। गवर्नर जनरल वाले क्वेश्चन सब लाइन से आ रखे हैं। विकास जगह ये लैंग्वेज का चक्कर रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है देखो, हु फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेम्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आंसर होगा? हु फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेम्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं किसके बारे में है ये? हु फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेम्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट टाइम जब बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा होगा ना। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो वर्ड आया था ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उससे रिलेटेड बोल रहा है। तो पहला एफर्ट तो नेहरू का था, स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वगैरह बना था उसका एफर्ट तो नेहरू का था। फर्स्ट टाइम प्रयास इनका था। फाइनल ड्राफ्ट जो बना था वो अंबेडकर का था। फाइनल ड्राफ्ट अंबेडकर का था, फर्स्ट अटेम्प्ट नेहरू ने लिया था जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात आई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताइए, और ये मैंने पढ़ाते समय कहा भी था, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इसके पहले वाले भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री को सब कल कराऊंगा मैं, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन देख ले फिर उनको भी देखेंगे। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? बताइए आंसर।
अमन विशेष, तुम्हारा आंसर देख लिया है मैंने। एक्चुअल में मेरे आंसर करने में और रिस्पॉन्स में कुछ डिले है, कुछ सेकंड का। तुम्हारा आंसर मैं देख रहा हूं पर मेरे बताने में और तुम्हारे रिस्पॉन्स में डिले है 10 सेकंड का। लाइव में कुछ रियल टाइम में नहीं चलता है, 5-10 सेकंड का इसमें डिले है। और तुम इतने इंपेशेंट हो, कह रहा है कि वेट ही नहीं कर रहा हूं मैं आंसर आंसर देखने का। तुम्हारा आंसर देख लिया है मैंने, ठीक है। आर्टिकल 24 है ना, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 24 है। एक और बताओ, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए क्या आंसर होगा। फंडामेंटल ड्यूटी कहां पर दिया हुआ है? बीएन राव तो सौरभ एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के एडवाइजर थे। कौन सी चीज कहां से ली जाए उसके लिए सलाहकार थे, जो बाद में आईसीजे के जज भी रहे, आईसीजे में इंडियन जज भी रहे। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन का, जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है। ये है 4A भाई, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी तो पार्ट 4A, पार्ट 4A। देखो एक चीज मुझे ये बतानी है आप लोगों को, ऑनलाइन जितना बेनिफिशियल है उतना ही खतरनाक भी है। मेरा 4-5 दिन के मैंने ऑब्जर्वेशन ये देखा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मैं सर्च नहीं करता हूँ कि बाकी क्या चल रहा है कहाँ। 4-5 दिन में मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑनलाइन के नाम पे गार्बेज भी बहुत मिल रहा है, बहुत गार्बेज मिल रहा है, और बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। खतरनाक स्थिति ये कि आप कुछ चेक करोगे, आपको 50 वीडियो मिल जाते हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था, पता नहीं किसका, 40 घंटे में जीके पूरा, और जीके में क्या करा रखा है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब मिला के 40 घंटे में, और थंबनेल ऐसा लगाया हुआ है कि कंप्लीट जीके, या किसी बुक का नाम लिख देंगे, पूरी ये किताब 3 घंटे में खत्म, पूरा ये 1 घंटे में खत्म। इसके चक्कर में मत पड़ना, ट्रैप है ये, ट्रैप है। और शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो सिर्फ टाइम बर्बाद करोगे, आउटपुट कुछ निकलेगा नहीं। मैं क्लियर बता दूं, अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, ऑनेस्टली आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई होता नहीं है। सिविल सर्विसेज का बच्चा एनसीईआरटी की समरी के चक्कर में पड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं 2 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज चला देते हैं, सब बकवास। एनसीईआरटी पढ़नी है तो उन बच्चों को पढ़नी है, सिविल्स वालों को, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत है, आपको सिलेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तो आप कैसे जानेंगे, देखो किसी का भी ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना। मैं अगर कुछ कह रहा हूं, मेरी बात को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर जितने अवेलेबल हैं आप उनको लेकर देखिए, जो थ्योरी आपने पढ़ी है 2-3 क्लास से पता लग जाता है कि ये टॉपिक हमें पढ़ाया है, कि हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। टेक्निकल में तो हालांकि आसान है ये चीज ढूंढना, कि टेक्निकल में जो टॉपिक पढ़ाया आपको आइडिया है, आप प्रीवियस ईयर में देख लो भाई कुछ आया है कि नहीं आया, ठीक है। 4-5 क्लास में आइडिया लग जाता है कि हाँ क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। जीएस जैसे मैंने थ्योरी में आपको करा दिया, अब आप देखिए क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि नहीं। क्या कोई भी टॉपिक आप उठाते हैं आपको सुना हुआ लग रहा है, पढ़ा हुआ लग रहा है, एब्सर्ड तो नहीं लग रहा? तो कभी किसी के कहने पर ना जाएं, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम हो गया, हर कोई सोचता है कि लाइक बढ़ जाए, सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, सब्सक्राइब कर दो चैनल हमारा, या हमारा चैनल, कई लोग तो आते ही पहले कहेंगे सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल, शेयर कर दो हमारा चैनल, लाइक कर दो। इतने लाइक नहीं मिलेंगे तो मैं अगली लाइन नहीं लिखूंगा। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है, आप ब्लाइंड फॉलोअर किसी के भी ना बने, किसी के भी, क्योंकि ऑनलाइन यू मतलब लेक्चर्स की बाढ़ आ रखी है। मैं देख रहा हूं हर कोई पढ़ा रहा है कुछ भी। तो आप सिंपली सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर लेकर बैठे, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो क्वेश्चन आए हैं? अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, बन रहे हैं, तब तो ठीक है, क्योंकि 2-4 महीने 6 महीने खराब कर लोगे, उसके बाद पता लगेगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है।
नहीं, मैंने एक्चुअल में 4-5 दिन में देखा सर्च करके, कोई भी टॉपिक आप देखेंगे उसमें इतने सारे वीडियो आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि कई लोग, मैं जानता भी नहीं, नाम मैं सबके जानता भी नहीं हूं, पर एक जो मेरा परसेप्शन बना उसमें कई लोग एंकर अच्छे हैं, टीचर अच्छे नहीं है। और जो कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके वीडियो में देखा कि व्यू नहीं है। जिनको पर्सनली जानता हूँ कि बड़े जबरदस्त टीचर हैं, वो टॉपिक जो पढ़ा देंगे बड़ा जबरदस्त रहेगा। जो अच्छे एंकर हैं उनके व्यू बहुत अच्छे हैं, पर जो वाकई में अच्छे टीचर हैं उनके व्यू भी नहीं है। इसका मतलब लोग चाहते हैं कि जोकराई की जाए, लोग चाहते हैं जोकराई की जाए, ये सब नाचा गाना चलता रहे, बच्चे भी वही पसंद कर रहे हैं। और ये खतरनाक ट्रेंड है, इस तरह से एग्जाम नहीं निकलेगा, समय जरूर खराब हो जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। शॉर्टकट के चक्कर में ना रहिए, आपको जो पढ़ना है वो ढंग से पढ़ना है। आप मेरे से कहेंगे सर कोई तरीका बता दीजिए, 3 घंटे में पूरी जीएस मैं जिंदगी में नहीं करा सकता, जो टाइम लगेगा वो लगेगा, क्योंकि पढ़ाना है, टाइम पास नहीं करना है। ये मेरा अपना परसेप्शन है कि जिस तरह की स्थिति में देख रहा हूँ कि इतने वीडियो मतलब आधे में चाइना का इश्यू एकदम उल्टा बता रखा है। एक वीडियो में व्यू कितने, 5 लाख। ईएस में सब्जेक्ट का सिक्वेंस बताया हुआ है कि क्या क्या पहले पढ़ना, क्या क्या बाद में पढ़ना। जो मैं लिस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो शुरू में बता रखा है, तीसरे या चौथे पे ही बता रखा है रैंकिंग में। क्षितिज क्या क्वेश्चन है, पहले मैं अपनी बात तो कर दूं। यार तुम लोग हर लाइन पे तो क्वेश्चन पूछते हो, मैं मतलब एक चीज भी समझा नहीं पाऊंगा, हर लाइन पे क्वेश्चन है। अमन ने बता दिया ऑब्जर्वेशन ऑन द स्पॉट है, चलो अच्छी बात है, थोड़ी देर में पता चल जाता है कंटेंट देखकर। अमन विशेष तुम्हारी तरह पारखी नजर सबकी नहीं है, जो बिगिनर होता है उसको नहीं पता लगेगा। अगर मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दूं तुम्हें 2 क्लास में पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को ज्योग्राफी आती कि नहीं आती। तुम्हें लगेगा बहुत जबरदस्त पढ़ा दिया सर ने, क्वेश्चन निकले तो अच्छा पढ़ाया, नहीं निकले तो बेकार पढ़ाया, सिंपल बात। तुम्हें लग रहा है तुम बहुत तेज हो, ये भी अपने आप में एक मिथ है। कंटेंट तुम्हें पता ही नहीं है, कंटेंट ओशियन है, एक ड्रॉप भी तुमको नहीं आता है उसका, तुमको नहीं मेरे को भी एक ड्रॉप नहीं आता होगा। अमन कह रहा है मैं थोड़ी देर में जान जाता हूं कि क्या चल रहा है। इतने अच्छे अच्छे एंकर है ना, तुम्हें 4-5 वीडियो भेज दूं और 4-5 वीडियो में तुम्हें लगेगा इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, छठा वीडियो देखोगे सर पकड़ लोगे। ऑब्जेक्टिव बुक जीएस के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? आलोक कुमार, शुरू में 1-2 बुक रिकमेंड की मैंने, तो एक आध लोग बता रहे थे कि सर को उसने पब्लिशर ने स्पॉन्सर कर दिया होगा इसलिए सर ने रिकमेंड किया है, उसके बाद से मैंने कोई भी बुक रिकमेंड करना बंद कर दिया है। कई बार बच्चों ने पूछा तो मैंने एक आध किताब के कभी नाम लिए, तो उसमें एक आध लोग थे उन्होंने कहा कि सर को स्पॉन्सर किया गया होगा उस पब्लिशर के द्वारा। मतलब तुम्हें लगता है कि किसी पब्लिशर की औकात है मुझे स्पॉन्सर करने की और मैं उसकी किताब को प्रमोट करूंगा और बच्चों का नुकसान करूंगा? तो मैंने किसी भी बुक को बोलना छोड़ दिया, खुद ही क्वेश्चन करा दिए इतने सारे, वो देख लो या पुराने वीडियो में देखो जहां बताया होगा बुक के बारे में। मेरी तरफ से मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, पर्सनली पूछना तो पूछ लेना भले, यहां मैं बोलूंगा ही नहीं बेटा किताब का नाम। इसमें इस तरह के लोग हैं कि कई बार पर्सनली टीचर को ऐसे हर्ट करते हैं कि सर को स्पॉन्सर किया होगा इसलिए सर ने बुक का नाम लिया होगा। क्षितिज क्वेश्चन देख रहा हूं बेटा, एक एक करके सबके डाउट देख रहा हूं मैं। वैकेंसी प्राइवेटाइजेशन क्या करें, इसके ऊपर तो हर दूसरे वीडियो में बोला हुआ है यार। अब जो एग्जाम तुम्हारे पास ऑप्शन है वो भरो, एमटेक वेमटेक कहीं मिल रहा है तो ज्वाइन करो, मैंने बोला हुआ है। शशांक कह रहे हैं जुकरई वाला वर्ड पेटेंट करा लेना चाहिए। अरे मैं खुद ही देख रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। लाइक करोगे तब मैं अगली लाइन लिखूंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा, लाइक नहीं करोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों को, ये तो हालत है। अमन यार तुम खाली 2 ही प्लेटफॉर्म की बात क्यों कर रहे हो इतनी देर से, फेक आईडी हो क्या तुम? तब से तुम 2 ही प्लेटफॉर्म की क्यों बात कर रहे हो? मैं यूट्यूब पे कह रहा हूँ 500 इंस्टीट्यूट हैं, हजारों टीचर होंगे, तुम 2 इंस्टीट्यूट की बात क्यों कर रहे हो? यहाँ कोई लड़ाने भिड़ाने की कंपटीशन चल रही है क्या? जो इंटेंशन से तुम मैसेज लिख रहे हो वो मत लिखो यहाँ पर, मैंने कभी एक बार भी किसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं करो। 500 यूट्यूब पे सर्च करो तुम यार, अपनी थिंकिंग को मेरे शब्दों में मत डालिए। आप इतनी देर से मैं देख रहा हूँ 2 इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट की बात यहाँ की नहीं है, इन जनरल सबकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ।
ऑब्जेक्टिव बुक जीएस की क्षितिज में यहाँ किसी किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ। अमन विशेष कह रहे हैं, सर आप मुझे हल्के में ले रहे हैं, आपको लगता है कि कोई नया लड़का है, टीचर को थोड़ी देर कंटेंट देखकर समझा जा सकता है। मैं तुमको हल्के में नहीं ले रहा हूँ बेटा, बहुत भारी में ले रहा हूँ मैं, इतना भारी कि अभी तुम सिविल सिविल शब्दों को समझ में आ जाएगा। मैं तुमको हल्के में नहीं, मैं तुमको भारी में ले रहा हूँ। इतने साल में बेटा, कंटेंट ऐसी चीज है कि इतने साल में मैं तो नहीं कह सकता, कंटेंट में बहुत कमांड हो गई है मेरे को, तुम इतने कम टाइम में कह सकते हो सकता है नॉलेज बहुत बढ़ गई हो। अब आप मुझे कोई ढंग का डिस्कशन कर लें जी, फालतू चीजों मत उलझाइए। अब आप जिस दिन ये तुमने कह दिया कंटेंट तुमको आ गया, इसका मतलब तुमको कुछ नहीं आता। इतनी देर से दो इंस्टीट्यूट के डिस्कशन में उलझा हुआ है लड़का ये, इसको अपने से मतलब नहीं, इसकी क्या समस्या है वो पूछे। रुको यार, कुछ और बात चल रही थी। हाँ रोशन, जो तुम बोल रहे हो क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो, पर ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन, थ्योरी की जरूरत नहीं है, थ्योरी की जरूरत नहीं है। रवि कह रहे हैं एसएससी जेई का एग्जाम होगा क्या? यार रवि, अब इसका आंसर कर दूंगा ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी कुछ लोगों को, इसका आंसर कर दिया जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। गौतम कुमार कह रहे हैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव हुआ है। हाँ मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ ना 2 महीने की सिंगापुर से, मतलब 35 साल मेरी उम्र हो गई है, सेंस ऑफ ह्यूमर अभी इंप्रूव हो रहा है, और तुम इतने मूर्ख हो तुमको ये नहीं पता कि सेंस ऑफ ह्यूमर इनबिल्ट होता है इंसान का। तुम मेरे से 8-10 साल छोटे हो, तुम्हारा पहले से था और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी बढ़ना शुरू हुआ है, ये तो तुम्हारा लेवल है। कह रहा है सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव हुआ है सर का, आज ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है। मैंने तुमसे बताया ना, अभी देखना ये सब चीजें और बढ़ेंगी आने वाले समय में, ये सब और चलता जाएगा। नहीं, कुछ मत कहो यार किसी को, सबको सबकी ड्यूटी है, सबको चलने दो। एसएससी जेई का एग्जाम बेटा टाइम पर होगा कि नहीं होगा? मुझे लगता है सितंबर में नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है सितंबर में नहीं होगा। बस हो गया आंसर, अब क्या, सिंपल बात है, चलेगा यार सितंबर में, इतनी जल्दी मुझे लग नहीं रहा। जब तक रेलवे पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। बता तो दी, अब क्या दिक्कत है, बस कंप्लीट करें आज यहीं तक। जब लेक्चर चल रहा हो लेक्चर के बीच में इंटरप्ट मत किया करो, लास्ट के 10 मिनट में खुद ही डाउट बोलता हूँ, जो पूछना है पूछो, हर क्लास के लास्ट में 10 मिनट रखेंगे इसके लिए। ईएस का एग्जाम 21 में होगा या नहीं? बेटा 21 में, अभी तक तो मेरा हिसाब है जनवरी में होना चाहिए, अभी तक ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि उसको पोस्टपोन किया जाए। ईएस अगर पोस्टपोन होगा तो वो अक्टूबर नवंबर की स्थिति देख के आप बता पाओगे, अभी से आप नहीं कह पाओगे कि 6 महीने बाद की स्थिति क्या बनेगी। अमन ज्यादा बेहतर है तुमको ब्लॉक कर दिया जाए, तुम्हारा कमेंट तक कोई नहीं देखा जाए। मैं तुमसे कह रहा हूँ एग्जाम रिलेटेड पूछना है तो पूछो, तुम फालतू बातें किए चले जा रहे हो, ज्यादा बेहतर है तुम्हारे कमेंट एक्सेप्ट ही ना किए जाए। अब दो शरद, वैक्सीन जो आई है आईसीएमआर ने बोला है कि 2 वैक्सीन जो हैं वो उनके हिसाब सफल पाई गई हैं, 2 वैक्सीन का ट्रायल जो है वो सफल पाया गया है, अभी शाम का स्टेटमेंट है। अब और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मालूम चलेगा, कल तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गौतम कुमार तुम बताओ सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव हुआ है क्या? मेरा ट्रेनिंग लेके आया हूं मैं, तुम ऑफलाइन क्लास कभी किए हो गौतम? ऑनलाइन में टीचर के पास टाइम नहीं होता कि कॉमेडी करे या फालतू बातें करे। सेंस ऑफ ह्यूमर कोई 5 दिन की चीज नहीं है कि ट्रेनिंग लेके इंप्रूव हो गया है। मुझे तुम्हारे कमेंट पे वो लग रहा है कि तुम्हें इतना ही नहीं पता कि सेंस ऑफ ह्यूमर एक इनबिल्ट चीज है। ऑफलाइन क्लास किए होते पता लग जाता तुमको सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है। मुझे ये दुख है कि 4 साल में तुम लोग नहीं सीखे बीटेक करने के दौरान। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं, थैंक यू ऑल।